हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो ना यूपी बोर्ड क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ बच्चों के लिए दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम अगर 2023 आप देने वाले हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये पांच गलती कभी नहीं करना है। इसी पांच गलती की वजह से बहुत बच्चे फेल भी हो रहे हैं और परफॉर्मेंस जो है उसका रिजल्ट का बहुत बिगड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको मौका मिल रहा है पांच गलती सुधारने का एग्जाम देने से पहले, और मैं आपको ऐसे पांच मिस्टेक सुधारने का एक ऐसा रियल मतलब कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है ना इसमें कौन कौन सी पांच गलती नहीं करना है आज ही सीख लीजिए। एक एक चीज आपको हम सिखाएंगे ताकि आप टॉपर भी बन सकते हैं। तो ये पांच गलती पहले सुधार लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर आपको मैं चीजें सिखाऊंगा कि जो रियल चीज है ना कि पांच मिस्टेक्स आपको हरगिज नहीं करना है वो सीख लीजिए। टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप इतना मेहनत करके तैयारी किए हैं और ये पांच गलती अगर बोर्ड एग्जाम के टाइम में कर देते हैं तो समझिए कि आपका पूरा मेहनत जो है बेकार हो सकता है। तो पांच गलती पहले सुधारिए। सबसे पहले पांच गलती कौन कौन सी है उसको पहले ध्यान से आपको सुनना है। बहुत सारे बच्चे इसमें पांचों गलती के बारे में जानते भी होंगे लेकिन एक ऐसी गलती है जो बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होगा और उसी की वजह से उसका जो है रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए एक चीज समझते चलिए। पहले अपनी बोर्ड की जो कॉपी का कवर पेज है ध्यान समझिए। बोर्ड एग्जाम में जब जाएंगे आप बोर्ड एग्जाम के जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे कॉपी मिलेगी ना उत्तर पुस्तिका, तो वो यही कॉपी है। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, टेंथ का भी ऐसा ही आएगा लेकिन हाई स्कूल वहां पे लिखा रहेगा, ट्वेल्थ का इंटर लिखा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लैक पेन से लिखा रहेगा इंटर हाई स्कूल वालों का, इंटर वाला को रेड पेन से। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए अपनी बोर्ड कॉपी का कवर पेज पहले करा है। कवर पेज क्या होता है, यही आपकी कॉपी है और ये कॉपी में देखिए कवर पेज पहला ही कहलाता है। सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए, यही कवर पेज का पहला है, इसमें साफ साफ भरना है। जहां भी स्टार लगा है देखिए स्टार लग गया, इस पर भी स्टार लगा है और यहां पर भी स्टार लगा है। जहां जहां स्टार लगा है ना इसको अगर गलती से भर देते हैं मिस्टेक से तो आप समझिए कि उस विषय में फेल हो जाएंगे और उस विषय में फेल होने का मतलब ना समझिए कि आपका रिजल्ट पूरा बिगड़ जाएगा। तो यही है आपका पहला कॉपी का कवर पेज और इसमें क्या क्या चीज सही भरेंगे और एक दो अगर बाय द वे कोई गलती भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या चीज है, स्टार लग गया ना तो समझिए कि इंपॉर्टेंट है। चलिए ये कॉपी है और इसका कवर पेज कैसे भरना है। सबसे पहले नंबर ध्यान दीजिएगा आपको बोर्ड एग्जाम में कवर पेज कैसे भरना है। सबसे पहले लिखा है इसमें, एक एक चीज सिखा रहा हूं ध्यान से देखिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखा है ना, तो चीज ये अंक में साफ साफ भरना है। आपका 10 नंबर का रोल नंबर रहेगा, एक ही बार साफ सुथरा से लिखना है, स्वच्छ, एक भी काट पीट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना। ओवर राइटिंग का मतलब जानते हैं ना, ओवर राइटिंग जैसे कि ये चीज आपने लिख दिया इसको काट करके दोबारा फिर इसको फिर उसी पर कलम पेन चला रहे हैं दो तीन बार, जैसे तीन लिखा तीन के बाद चार बनाना है इसमें चार बना रहे हैं, ये ओवर राइटिंग हुआ। इसको डबल राइटिंग उस पर नहीं चलाना है पेन, साफ साफ अच्छे से इसको भरना है अंकों में। शब्दों में देखिए इस पर स्टार नहीं लगाना है तो क्योंकि देखिए एक तो आपने अंकों में लिख लिया साफ साफ वही इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बाद इसी चीज को शब्दों में जैसे लिखना है दहलाकर भी नहीं लिखना है, इसको एक एक अंक को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 22 26 63 32 65 लिखा है ना, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल दो दिख रहा है शुरू में, दो 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 ऐसे लिखेंगे, छह 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 लिखा है ना, तीन 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 लिखा है ना, दो छह पांच, इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम लिखिएगा। स्टार वाला पहले ध्यान रखिएगा, अंकों में साफ साफ भरिएगा, नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट का जो है नंबर कैसे चढ़ेगा, इसलिए आपको रोल नंबर पे अच्छे से केयर करके साफ साफ लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए शब्दों में हो गया विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय किसका है हिंदी का है, केवल प्रश्न पत्र है मतलब कि एक ही विषय का होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तथा संकेतांक, ये जो स्टार लगा है ना स्टार का मतलब आप समझ रहे हैं, स्टार का मतलब क्या हुआ इसको अच्छे से भरना। जैसे कि आपका हिंदी का पेपर है DU कोड है ना 302 DU कोड, तो इसको ही भरना होता है इसमें। और ये क्यों भरा जाता है ध्यान से देखिए, 302 DU कोड लिखा है ना, इसलिए भरा जाता है कि जो एग्जामिनर है समझ जाए कि ये जो DU कोड का पेपर 302 है ये किस जिले में गया था और किस सेंटर पर गया था, उस सेंटर से पहचान करने के लिए कोड का पेपर और कोड दोनों को इसमें संकेतांक में लिखा जाता है। ठीक है, ये गलती मत करना, इसको छोड़कर नहीं आना है। दो स्टार मैंने समझा दिया, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। परीक्षा के दिन तो आप जानते हैं कि किस दिन एग्जाम है उसको डालना है,
परीक्षा तिथि एवं पाली किस परीक्षा कौन सा तारीख को परीक्षा है, कौन सी पाली में है, 12 वालों को द्वितीय पाली दोपहर के बाद होता है और 10 वालों को प्रथम पाली होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ में आ ही रहेगा। ये देखिए स्टार लगा, इस पर भी स्टार 6 नंबर पे लगा है, ध्यान से देखिए लिखा है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम का मतलब ना जहाँ पे आपका एग्जाम का सेंटर गया है, एग्जाम देने गए हैं, उस सेंटर का क्या नाम है, तो आपका एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र मिलेगा उस पर लिखा होगा एग्जाम सेंटर नेम, उसी को उस एडमिट कार्ड में से देखकर उतारना है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद ये स्टार वाला जो चीजें है ना इसको ध्यान में गलती नहीं भरना है। इसके बाद कक्षा में यानी किस कक्षा में पेपर दे रहे हैं, रूम नंबर। इसके बाद कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर। यहाँ पे देखिए आपको गलती नहीं करना, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, जो एग्जाम दिलवाने वाला एग्जाम में कक्षा में आपका हो गया एग्जामिनर, वो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक से भी गलती से कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे दिनांक वही भरेगा जो अपना हस्ताक्षर करेगा, डेट, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली गलती कवर पेज पे साफ साफ भरना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, काटपीट कहीं नहीं करना है, ये चीज समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या लिखा गया है, दूसरा नंबर ध्यान से देखिए, दूसरा मिस्टेक्स क्या नहीं करना है, कॉपी पर कलम का प्रयोग, मतलब कि जो कॉपी है बोर्ड एग्जाम की कौन से पेन से आपको लिखना है। आपको बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कमेंट करके, सर हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे, ब्लू से, ग्रीन से, मतलब कलर ऑफ पेन का यूज कर सकते हैं कि नहीं, पूछ रहे थे। तो कमेंट में पूछे हैं उसका रिप्लाई आज, ये गलती सुधारने का मौका मिल रहा है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको अलाउ है, पीछे आपको देखेंगे ना इधर तो मिलता है कॉपी, पीछे कॉपी में लिखा होता है निर्देश में कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू पेन आप डॉट पेन ले लीजिए या आप पायलट, किसी से भी आपका अच्छा राइटिंग होता है और फास्ट लिखेंगे तो अच्छा से पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो जो भी पेन यूज करना है कर सकते हैं, डार्ट पेन या मतलब कि गढ़ावचो चलती है। अब इसके बाद देखिए ये है आपका ब्लू पेन, इसके बाद ये ब्लैक पेन। बोर्ड एग्जाम में बस दो पेन का ही यूज करना, एक ब्लू पेन का यूज करना है, नीला पेन का और एक काला पेन, दो पेन ही अलाउ है, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी कलर पेन का यूज नहीं करना, ये गलती आपको पहले से समझ लेना है सुधारने के लिए, ठीक है। तो दूसरा हो गया, तीसरा नंबर देखिए ध्यान से, यहाँ पे सही तरीका से कॉपी में अपना उत्तर लिखना। अगर देखिए कितने भी बच्चे को पूरा प्रश्न मालूम है, पेपर का सोल्यूशन तो पूरा कर लेंगे, लेकिन उनको लिखने का तरीका ही मालूम नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि उनका नंबर जो है कम हो जाता है, कट जाता है नंबर, क्योंकि याद तो है लेकिन लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ये चीजें आपको इस वीडियो में सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपका हिंदी का पेपर है, सबसे पहले हिंदी का आपका जो पेपर आएगा ये देखिए दो खंडों में आएगा, लिखा है ना खंड क, इसमें हिंदी से रहेगा, खंड ख जो आएगा आपका व्याकरण से। तो आपको इसको कैसे करना है सोल्यूशन, कॉपी होगी, पेज निकालेंगे आगे। अब एक चीज, आपको जो स्केल मिलेगा ना, स्केल का मतलब जो होता है लाइन खींचने के लिए स्केल होती है, अब मार्जिन लाइन खींचने के लिए, देखिए मार्जिन लाइन यही बोली जाती है, मार्जिन लाइन इसको, स्केल से सही मात्रा में आप अपना मार्जिन लाइन खींच लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे बच्चे को कॉपी का उत्तर, जो प्रश्न का उत्तर है, रिप्रेजेंट करने नहीं आता है ताकि उसको अच्छा नंबर मिले। तो देखिए इसमें बता रहे हैं, पहला खंड कर रहे हैं ना हिंदी में, तो खंड क लिखे हैं सबसे ऊपर टॉप में लिखे हैं ना, इसके बाद खंड क वाले को हल करेंगे, तो खंड क वाले प्रश्न को हल करें तो खंड क वाले को ही पूरा उसमें हल करेंगे। ये नहीं करना है गलती कि खंड ख वाले प्रश्नों को उत्तर ला करके खंड क में करेंगे, ये तरीका गलती है, एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, इसलिए खंड क वाले प्रश्न कर रहे हैं तो सारे प्रश्नों को खंड क में ही करना है। चलिए देखिए खंड क कर रहे हैं ना, इसके बाद प्रश्नोत्तर ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे प्रश्न संख्या भी लिखते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ जेन्युइन तरीका है और इसी तरीके से लिखेंगे तो आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे और फर्स्ट नंबर ऐसे डालेंगे, और देखिए फर्स्ट डाल दिए ना, पहला में पांच प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पहला का क, पहला का ख, पहला का ग, पहला का घ, पहला का अंग, इस तरीके से पांचों लिख लेंगे। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें पहला का क लिखा है कि पंडित देखिए प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है ब्राह्मण, तो पहला का क का कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा यहाँ पे देखिए पहला का क का तीसरा सही है ना, और ये जो है ब्राह्मण लिखा है ना, तो ब्राह्मण यहाँ पे उतार देंगे, लेकिन मैं दूसरा मॉडल पेपर ये सॉल्व किया हूँ इसलिए ये उत्तर कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है, तरीका समझिए तरीका। इसी तरीके से पहला प्रश्नोत्तर संख्या आप कर लेंगे, पांचों कर लेंगे बहुविकल्पी इस तरीके से, ठीक है।
इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा दिखाई दे रहा नीचे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा और बीच में डालिएगा, ठीक है ना, आप भी प्रश्न का उत्तर इस तरीके से बीच में डालिएगा और दो नंबर ऐसे ही करके दूसरा में भी बहुविकल्पी पांच आता है जो कि पद्यांश से आता है, पद साहित्य से, इसमें भी दो का क ख ग घ इसमें मतलब अंग तक करेंगे, जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डालेंगे और ऑप्शन को उतार देंगे, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से अगर लिखेंगे तो आप सभी बच्चों से अच्छा स्कोर करेंगे ऑल सब्जेक्ट में, मेरा ये दावा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे ये गद्यांश से क्वेश्चन आता है, गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका मैं इसका पूरा सोल्यूशन मॉडल पेपर का करा चुका हूँ, अगर देखे नहीं है तो वीडियो के कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिएगा, पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन एक ही वीडियो में इंक्लूड है, पूरा देखिए तैयारी बेस्ट कीजिए, हिंदी में 100 नंबर लाना है तो। देखिए इसके बाद गद्यांश को कैसे कॉपी में लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे संकेत दो गद्यांश आता है ना, एक अथवा में और एक आता है मेन में, तो संकेत डाल करके ऐसे डालेंगे और आराम से जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको हेडिंग लगा लगा कर अच्छे से लिख लेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे, कॉपी जो मैं दिखा दे रहा हूँ तो लिखने का आपको आइडिया मिल जाएगा, इसी तरीके से लिखेंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिखा दिए कॉपी, इसी तरीके से आपको अच्छे से लिखना है ताकि सभी बच्चों से अच्छा आप नंबर अचीव कर सकें। देख सकते हैं ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरा भी अच्छा स्कोर हुआ था। इसके बाद देखिए आगे चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मिस्टेक से दिखा रहे हैं, ठीक है, अगला मिस्टेक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है फोर्थ नंबर कॉपी में आर एन नीचे लिखे, यही मैं बता रहा था ना कि आपको कोई नहीं बताएगा और ये गलती मत करना, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है आपका मान लीजिए पूरा पेपर सोल्यूशन हो गया, लास्ट में आपका टाइम मिल रहा है ना, अगर नहीं मिलता है तो कॉपी पेपर मिलने से पहले क्या करना है, देखिए ये कॉपी है बोर्ड एग्जाम की, यहाँ पे देखिए नीचे ये कॉपी का पूरा प्रश्न उत्तर लिख लिया, नीचे जो होता है ना नीचे यहाँ पे कॉर्नर में कोने में यहाँ पे लिखना है आर एन, आर एन का मतलब क्या होता है रोल नंबर, और हरेक पेज पर अपना रोल नंबर डाल लीजिएगा, क्या क्यों डालना है बता रहा हूँ, देखिए आर एन यहाँ पे डाल लीजिएगा ऐसे, इस पेज पर हो गया, इसके बाद इस पेज पर आइए, यहाँ पे भी मतलब मैं पूरा लिख दिया हूँ जगह नहीं है लेकिन आपको जगह मिलेगी कॉपी में, आर एन ऐसे भी डाल करके सारे पेज में आप आर एन डाल दीजिएगा, आर एन डाल करके रोल नंबर लिख देना है पूरा, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड पर मिला होगा। इसको लिखने से क्या फायदा है देखिए, बोर्ड एग्जामिनर जो है ना आपका अगर कॉपी चेंज करना चाहता है तो यहाँ पे रोल नंबर लिखा रहेगा हर एक पेज पर, तो वो बदल सकता ही नहीं, क्योंकि देखिए अगर कवर पेज पर है ना, कवर पेज का ये जो पेज तो सिलाई किया हुआ होता है इसको निकाल सकता है कवर पेज, और दूसरे कोई कमजोर बच्चे की कॉपी जो है उसको डाल देगा इसमें, और इसमें जो आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं अच्छा से लिखे पूरा हल किए अच्छे से, तो कोई अपना रिलेशन का या कोई भी रिलेशन का तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर चाहेगा तो चेंज भी कर सकता है, अगर ये नहीं होता है तो बाय द वे कहीं आपकी कॉपी बोर्ड एग्जाम की बंडल में बांध कर जाती है, कहीं अगर बाय द वे घिस कर इधर से उधर पेज निकल भी गया तो अगर रोल नंबर लिखे होंगे तो आपका कॉपी का पेज आराम से वहां पे मतलब पता लग सकता है किस रोल नंबर का ये कॉपी का पेज है, आराम से वहां पे मिल जाएगा। तो दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको रोल नंबर हर एक पेज पर लिख देना है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला मिस्टेक क्या है ध्यान से देखिएगा, फाइव नंबर कॉपी के अंदर पैसा या गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में पैसा रख देते हैं लास्ट में कि हमको जो है एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो पैसा दे करके और हमको नंबर दे देगा, तो ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि आपकी जो कॉपी है एग्जाम सेंटर पे चेक होती है, आल सभी बच्चों की कॉपी के एक एक पेज को चेक करके एग्जामिनर तब जाकर के मतलब कि भेजा जाता है, तो आपका पैसा यहीं पर निकल जाएगा। और दूसरे नंबर अगर आप गलती से वहां पे पहुंच गया तो मीडिया वाले वहां पे कैमरा में सीसीटीवी कैमरे में आपकी कॉपी चेक होती है, तो वहां पे पकड़े जाने पर आपका जो है मीडिया के थ्रू आपको वायरल कर दिया जाएगा कि इस बच्चे के कॉपी के अंदर पैसा मिला है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, जो आएगा साफ साफ जितना याद रहेगा वही लिखेंगे, तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा तैयारी कर लेंगे, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। दूसरे नंबर अगर जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, मतलब गाना वगैरह गाली वगैरह कुछ भी ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर जो है पूरा उसमें जीरो कर दिया जाएगा और उस विषय में आप फेल हो जाएंगे, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा आपको,
तो ऐसी 5 गलतियों को नहीं करना है, जो कि सभी से हटकर ये गलतियां थी और यही गलतियों को सुधारना है। वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली मिलेगा। बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।